ठीक है, लेकिन तुम घर पे कब तक आ रहे हो? हाँ ठीक है, बट जल्दी आओ, ठीक है? अच्छा हाँ, हर्ष, रीना का फोन आया था, उसने ना हमें डिनर पे बुलाया। हर्ष एक मिनट, कोई आया है। अरे कमाल, ये क्या है? मेरे नाम का पोस्टकार्ड? डू यू वॉन्ट टू सी मैजिक? मैजिक? अरे किसी मैजिक शो का इनविटेशन कार्ड होगा। मेरे नाम से आया ये, रुको ना, देखती हूँ अभी पलट के। मोनिका, हेलो मोनिका, क्या हुआ? मोनिका, 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 दरवाजा खोलो। मोनिका, 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 जरा यहां के वॉचमैन से बात करना। आपने बताया फोन पे बात कर रहे थे जब इनकी चीख सुनाई दी आपको। हाँ सर, हम दोनों फोन पे बात कर रहे थे, अचानक से इसकी चीखने की आवाज आई, उसके बाद मैंने इसे कई बार फोन किया लेकिन कोई जवाब नहीं, भाग के घर आया तो ये देखा। मतलब आप इनसे फोन पे बात कर रहे थे जब ये सब हुआ, तब उस वक्त घर में कोई और भी था, कोई काम करने वाली भाई? नहीं सर, भाई तो आज छुट्टी पर है। आपने बताया था कोई कुरियर वाला आया था ना जब आप बात कर रहे थे तो? हाँ सर, कह रही थी कोई पोस्ट कार्ड आया है, कुछ मैजिक के बारे में कुछ कह रही थी। अच्छा, वो पोस्ट कार्ड कहाँ है, देख सकते हैं? मेरे पास नहीं, मुझे मिला ही नहीं। नहीं मिला? यहाँ बॉडी के पास कोई पोस्ट कार्ड है क्या? सर पोस्ट कार्ड नहीं। कमाल, फोन पे बात कर रही थी, हाथ में पोस्ट कार्ड था, पोस्ट कार्ड गया कहाँ? जब आप यहाँ घर में आए तब ये मेन डोर खुला था? नहीं सर, डोर तो अंदर से बंद था, मैंने अपनी चाबी से उसे खोला। ओह, यानी कि वो कुरियर वाला यहाँ से गया, उसके बाद इन्होंने घर का दरवाजा अंदर से बंद किया, तो जो कुछ भी हुआ उसके बाद हुआ? जी सर।
सर, वॉचमैन को कुछ नहीं पता। जब ये सब हुआ तब वो बंगलोर नंबर 9 में था। वहाँ क्या कर रहा था? सर वो सोसाइटी का नोटिस देने गया था सर। पता किया, सच बोल रहे हैं? हाँ सर, मैंने बंगलो के मालिक से पूछा, वॉचमैन वहीं पे था 2 से 2:15 बजे तक। सर बॉडी पे कोई घाव का निशान नहीं है। अभिजीत, घर के सारे खिड़की दरवाजे अंदर से बंद है। तो फिर ये मौत हुई कैसे? अरे बहुत सॉरी यार, लेट हो गया मैं। एक तो लाइफ में इतना काम और सड़क पे इतना जाम, यू नो यार। अरे क्या कर रहे हैं आप? यहाँ देखो क्या चक्कर है, समझ में नहीं आ रहा। हाँ अब आ जाएगा समझ में, मैं आ गया हूँ ना, डोंट वरी। सर ये फाइल मिली, इसमें बहुत सारे लोगों के इन्फॉर्मेशन है। सर ये मोनिका की फाइल है, ये अल्फा फार्मा कंपनी में काम करती थी। इसकी मौत आज दोपहर को हुई है, करीब 2 बजे। ठीक उसी समय पे जब वो कुरियर बॉय आया था। सर ये कुरियर वाला, ये पोस्ट कार्ड और ये सब कनेक्टेड लगता है। माय गॉड, अरे साइनाइड से बनी है। साइनाइड? हाँ, ये कड़वे बादाम की जो बदबू आ रही है ये वही है साइनाइड। साइनाइड? तो फिर जरूर इस मोनिका ने किसी ऐसी चीज को हाथ लगाया जिस पर वो जहर लगा हुआ था, वो साइनाइड लगा हुआ था। बिल्कुल बॉस, और जैसे ही वो हाथ इसने अपने मुंह पर लगाया, साइनाइड इसके मुंह के अंदर चला गया और इसकी मौत हो गई। वो तो गनीमत है बॉस, हर्ष ने इसके हाथों को नहीं छुआ, वरना वो भी जिंदा नहीं मिलता। सर लेकिन ताज्जुब की बात ये है कि इसके घर में हमें ऐसी कोई चीज मिली नहीं जिसपे साइनाइड हो। ऐसा तो नहीं कि खूनी ने वो चीज घर से हटाई थी? अच्छा कुछ और नहीं पता चला? पता चला। सो मोनिका के हाथों के ज्यादातर हिस्से में ये साइनाइड लगा हुआ है, लेकिन यहाँ पे इस उंगली पे फॉस्फोरस और पोटेशियम बाइक्लोरेट है। इसके अलावा नाइट्रिक एसिड और डाइऑक्सी सल्फ्यूरिक एसिड भी है। क्या ये लड़की किसी केमिकल कंपनी में काम करती थी क्या? सर किसी फार्मास्यूटिकल कंपनी अल्फा फार्मा में काम करती थी, लेकिन ये एचआर की पोस्ट पे थी, इसका केमिकल से कोई लेना देना नहीं था। तो फिर ये केमिकल इसके हाथ पे लगा कैसे? माचिस से। माचिस की तीली पर जो मसाला लगा होता है वो पोटेशियम बाइक्लोरेट होता है, और जो उसकी डब्बी के दोनों तरफ जो स्ट्रिप लगी होती है गुलाबी रंग की, उस पर फास्फोरस लगा होता है। हाँ मगर यार ये डाइऑक्सी सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड ये इसके हाथ पर कैसे आया? ये बात वाकई हैरान करने वाली है। हेलो, क्या सब लोग हाथ और शूज पर ग्लव्स डाल लो, यहां भी कोई केमिकल हो सकता है। जरा प्लीज जगह दीजिए। आपने पहले देखा लाश को? हाँ सर, मैंने ही सबसे पहले देखा। रोज की तरह जब सुबह काम पे आई तो दरवाजा खटखटाया, पर साहब ने दरवाजा ही नहीं खोला, तो मैंने अपनी चाबी लगा के दरवाजा खोला तो देखा तो साहब। आपके पास इस घर की दूसरी चाबी है? हाँ सर, साहब 2 चाबी रखते हैं, एक अपने पास और एक मेरे पास। वो अकेले रहते हैं ना, इसलिए उन्होंने एक चाबी मुझे दी थी ताकि वो ना रहे तो घर का काम देख रेख में कर सकूं। आपने बॉडी को हाथ तो नहीं लगाया? नहीं सर, बिल्कुल नहीं। गुड। यहाँ की और किसी चीज को? नहीं सर, मैंने किसी चीज को हाथ नहीं लगाया। मैंने तो जैसे देखा डर के भाग गई, और जाके वॉचमैन से बोला तो वो आप लोगों को बुला के लाए। क्या
साइनाइड। हाँ बस साइनाइड। और इसकी भी मौत कल ही हुई है, मोनिका की मौत के कुछ ही घंटों के बाद। अच्छा, सर अगर मारने का तरीका एक है तो खूनी भी एक ही होगा। बिल्कुल हो सकता है। वॉचमैन सर यहाँ ना। यस सर। साहब के लिए कल कोई कुरियर लेके आया था? आया था सर दोपहर में। दोपहर में? अच्छा, ये कुरियर वाला जब आया था उस वक्त का सीसीटीवी फुटेज चाहिए मुझे। जी सर। जल्दी इस कुरियर वाले को ढूंढना होगा सर, हो ना हो इन मर्डर्स के पीछे इस कुरियर वाले का कोई ना कोई कनेक्शन है। मोनिका और अंशुल, ये दोनों आपके ऑफिस में काम करते थे और इन दोनों को एक ही दिन एक ही तरीके से मार दिया गया। मतलब इन दोनों का खूनी कोई एक ही है। देखिए अगर आप में से किसी को भी कुछ पता है तो प्लीज हमें बता दीजिए। ये दोनों आप लोगों के साथ यहां काम करते थे, आप लोग नहीं चाहते कि इन दोनों के खूनी पकड़े जाए? जिन्हें हमारी परवाह नहीं हम उनकी परवाह क्यों करें? जिंदगी दे दी हमने इस कंपनी को और मिला क्या? क्या कहना चाहते हैं सर? एक हफ्ते पहले अंशुल सर और मोनिका मैडम ने बहुत से लोगों को नौकरी से निकाल दिया, अब तलवार हमारे ऊपर लटकी है। पता नहीं किसका किसका नंबर लगा कर गए हैं। सर एक्चुअली हमारी कंपनी घाटे में चल रही है, कॉस्ट कटिंग करनी थी, इसलिए अंशुल सर और मोनिका मैडम ने 20 लोगों को जॉब से निकाल दिया। फिर तो बहुत सारे लोग चिड़े होंगे इस बात से। अब सर इनमें से कई सारे ऐसे थे जिन्होंने कंपनी को 10-10 साल दिए। तो हो सकता है गुस्से में आके इन्हीं में से किसी ने ये काम कर दिया। सर अगर ऐसा है तो क्या? हमारे सीईओ नरेश सर भी उसी कमेटी में थे। नरेश दरवाजा खोलो। नरेश दरवाजा खोलो। सर मुझे लगता है कुछ प्रॉब्लम है सर। अरे क्या कर रहे हैं आप लोग? आप नरेश जी हैं? हाँ मैं ही नरेश हूं, लेकिन आप लोग कौन हैं? हम लोग सीआईडी से हैं। सीआईडी? सर हम लोग योगा आश्रम गए हुए थे, वहाँ हमें फोन टीवी न्यूज़पेपर कुछ भी अलाउड नहीं था। यहाँ क्या हो रहा है हमें कुछ पता ही नहीं था सर। तो क्या उस वक्त घर में और कोई नहीं था? नहीं सर, घर पर कोई नहीं था। ये सारा पोस्ट? ये तो मैं अभी नीचे लेटर बॉक्स से लेकर आया। क्या मैं ये लेटर्स देख सकता हूँ तुम्हारे? जी देख लीजिए। We'll be right back.
नरेश, डू यू वॉन्ट टू सी मैजिक? माय गॉड, कड़वे बादाम की महक, दया, कड़वे बादाम की महक, मतलब साइनाइड। आप लोगों में से किसी ने हाथ तो नहीं लगाया इसे? सर ये पूरा बंच मैं ही लेटर बॉक्स से लेकर आया। जाइए फिर अपने हाथ धोआइए, जाइए अच्छी तरह से धो लीजिए। जी। मतलब दया, इसके जरिए अंशुल और मोनिका को जहर दिया गया। सर मोनिका और अंशुल को इस पोस्ट कार्ड के जरिए साइनाइड दिया गया? लेकिन सर इसके बाद पोस्ट कार्ड गया कहाँ? आप लोग सोच रहे हैं कि मोनिका और अंशुल के पास से ये कार्ड आखिर गायब कहाँ हो गया? इसे कैसे पता चला? जादू दिखाऊं? जादू दिखाइए, जादूगर सालों के। ऐसा ही एक कार्ड मोनिका और अंशुल को मिला, उन्होंने इस कार्ड को उठाया। अरे तारिका जी क्या कर रही हैं? साइनाइड है इसमें? अरे कुछ नहीं होगा, ठहरो। कार्ड पर लिखा हुआ था क्या आप जादू देखना चाहते हैं? ये पढ़ के दोनों उत्सुक हुए, दोनों ने कार्ड को पलट के देखा तो दूसरी तरफ लिखा हुआ है स्वाइप हियर, और फिर उन्होंने इसे स्वाइप किया ऐसे। अरे ये तो हुआ ही नहीं, दोबारा गलती। और ऐसे वो कार्ड गायब हो गया, राख तक नहीं बची। Oh, no! अरे सर ये क्या किया आप लोगों ने? क्यों? अरे ये एक ही तो एविडेंस था हमारे पास खूनी तक पहुंचने के लिए, और आप लोगों ने इसको जला दिया। सर अभी हम लोग खूनी को कैसे पकड़ेंगे? मैं ये केस सॉल्व नहीं कर सकता सर। ये पंकज, ये असली वाला नहीं था, हमने एग्जैक्टली असली वाले पोस्ट कार्ड के जैसा एक नकली वाला बनाया था। क्या रे पंकज, तुम्हें क्या लगता है मैं ऐसा कर सकता हूँ? मैं सबूत मिटा सकता हूँ? तो ये है सारा चक्कर, पोस्ट कार्ड पर साइनाइड, और साइनाइड को छूते ही मोनिका और अंशुल खत्म, और सबूत गायब। ये तीर का निशान इसके आगे की तरफ लगा हुआ है पोटेशियम बाइक्लोरेट, और ये पीछे का हिस्सा यहां पर लगा हुआ है फास्फोरस, जो माचिस की डिब्बी के दोनों तरफ लगा होता है। जब कोई अपनी उंगली से इसको स्वाइप करेगा तो दोनों केमिकल्स मिल जाएंगे और आग लग जाएगी, जैसे माचिस की तीली से लगती है। लेकिन सालों के साथ पेपर गायब कैसे हो गया? ये चक्कर क्या है? रेडी सर, ये पोस्ट कार्ड कॉटन पेपर से बना है, जिसे डाइऑक्सी सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड से ट्रीट किया गया है, जिसकी वजह से ये बन गया नाइट्रो सेल्यूलोज। आमतौर की भाषा में इसे फ्लैश पेपर कहते हैं, इसे जादूगर कागज को गायब करते हैं। वो तो जैसे ही ये कागज जल के गायब हुआ, ये अंशुल और मोनिका चौंक गए, अपने हाथ को अपने मुंह पे या आग पे लगा दिया होगा, हाथों पे मौजूद साइनाइड, उसी की वजह से मौत हो गई। ये है वो कुरियर बॉय जिसने वो साइनाइड वाला पोस्ट कार्ड मरने वाले को पहुंचाया था। कौन है ये आदमी, कोई बता सकता है? जिन 20 लोगों को हाल ही में नौकरी से निकाला गया था, शायद उनमें से कोई। इस फोटो में उसका चेहरा दिख नहीं रहा, पर कद काठी से तो ऐसा लग रहा है कि इसकी लंबाई 5 फीट 9 इंच है। गोरा रंग, और इसके हाथ में, बाएं हाथ पे ये बैंडेज है। सर वो हमारे सेल्स डिपार्टमेंट में एक आदमी था, उसका हाथ भी फ्रैक्चर हुआ था कुछ 3 हफ्ते पहले। कौन है वो? आलोक सर, और सर उसे भी काम से निकाला गया था। भाई प्लीज मुझे छोड़ो, मेरे हाथ में छोड़ो भाई प्लीज मुझे छोड़ो, मैं आप लोग के पैसे बहुत जल्द से जल्द लौटा दूंगा भाई मुझे भरोसा करो, मेरी नौकरी भी लग गई है भाई, मैं आप लोग के पैसे लौटा दूंगा भाई। कैसे पैसे? कौन से पैसे? आप लोग धर्मा भाई के लोग नहीं हो भाई? हम लोग तेरे कोई भाई भाई नहीं है, हम लोग CID से। CID?
लेकिन आप लोग मेरे पीछे क्यों पड़े हो? क्योंकि तुमने मोनिका और अंशुल का खून किया। क्या खून? साहब मैं मच्छर तो मार नहीं सकता, खून क्या करूंगा? मेरा भरोसा करो साहब, मैंने किसी का खून नहीं किया। हमारे पास सबूत है, ये देखो। नहीं सर, ये मैं नहीं हूँ सर, ये कोई और है। मैंने मोनिका मैम और अंशु सर का मर्डर नहीं किया है, मुझे कोई फंसा रहा है सर। मुझे बचा लो सर, चल छोड़ दो। जी आलो खून ही नहीं है, है ना? सब बाकी बचे हैं 19 लोग, खूनी उनमें से ही कोई एक है। लेकिन आपने इन बाकी बचे 19 लोगों को रखा ही नहीं कंपनी में, निकाल दिया उन्हें, क्यों? सर उसके कई कारण थे। कुछ तो नए रिक्रूट थे जिन्हें कंपनी को ले ऑफ करना पड़ा, उनकी जरूरत नहीं थी हमें। कुछ पोस्ट को कॉस्ट कटिंग के कारण कम करना पड़ा, जैसे आलोक की पोस्ट। और कुछ के परफॉर्मेंस खराब थे और कुछ के सर बिहेवियरल इशूज थे। बिहेवियरल इशूज का मतलब क्या है? क्या करते थे वो बताओ। जैसे कि गुस्सा आना, अहंकार, जेलेसी, नकारात्मक सोच। अरे ये इन सब के बारे में आपको पता कैसे चला? किसी ने रिपोर्ट किया आपका? उनकी हैंडराइटिंग, मतलब ग्राफोलॉजी। जी सर, मेरी वाइफ अमृता इसमें एक्सपर्ट है। सर मोनिका के घर से हमें जो फाइल्स मिली है उसमें हाथ से लिखे हुए कुछ कागज भी थे। सर मेरी वाइफ अमृता ने हमारे सारे एम्प्लॉयज के हैंडराइटिंग सैंपल मंगवाए, उनको एनालाइज किया और अपनी एक रिपोर्ट, उसी के बेसिस पे हमने ये फैसले लिए सर। तो क्या वाकई में किसी की हैंडराइटिंग को देखकर उसकी पर्सनालिटी के बारे में पता कर सकते हैं? अब सर ये तो आपको अमृता ही बता पाएगी। आप में से कोई भी तीन नाम इन पेपर्स पर कुछ लिखिए। क्या लिखे? लिखिए द क्विक ब्राउन फॉक्स जंप्स ओवर अ लेजी डॉग। ये जो भी कोई है ये बहुत खुश मिजाज है, खुले दिमाग का है, सामाजिक है और बचपने से भरा हुआ है। कैसे? आप ये अल्फाबेट्स देखिए, ये देखिए, ये बड़े बड़े आकार बनाए हैं इन्होंने। अल्फाबेट्स के बीच में बिल्कुल इक्वल डिस्टेंस है। इसका मतलब आप एक ट्रैवलर हैं, एक्सट्रोवर्ट हैं। ये बहुत हैप्पी गो लकी है, खुश मिजाज है, घुलता मिलता है। और ये जो आई के ऊपर आप डॉट देख रहे हैं इसका मतलब है कि ये बचपना। राइट। ये जिसने भी लिखा है वो बहुत चुपचाप रहने वाला है, ज्यादा घुलने मिलने वाला शख्स नहीं है और अपने राज किसी पे जाहिर नहीं होने देता। अच्छा इंसान है बट अलग अलग रहता है। ये एक सेंटेंस आपको इतना सब कुछ कैसे पता चल गया? इट्स वेरी सिंपल। जिसने भी ये लिखा है बहुत छोटे छोटे लूप्स बनाए हैं। इसका मतलब सीक्रेटिव है, अनविलिंगनेस टू ट्रस्ट, और बहुत हल्के हाथ से लिखा है। दैट मीन्स आराम पसंद है और अल्फाबेट्स के बीच में बिल्कुल भी गैप नहीं है। इसका मतलब वो ज़्यादा घुलते मिलते नहीं। तो ठीक है अमृता जी, हमने आपकी बात मान ली। सो ये तीसरी हैंडराइटिंग के बारे में उसकी जरूरत नहीं है। नेतृत्व, सूझबूझ, हिम्मत, बेसिकली दिस मैन इज अ लीडर। थैंक यू वेरी मच मैम, आपकी बहुत मदद होगी हमें खूनी तक पहुंचने के लिए। थैंक यू। आप जरा उन 19 लोगों के बारे में थोड़ा थोड़ा डिटेल में बताइए, उनकी पर्सनालिटी के बारे में, उनके व्यक्तित्व के बारे में।
हम देखना चाहते हैं कि उनमें से खूनी कौन हो सकता है। ये तीन हैं, सुहानी, ये जयेश, मयंक। सुहानी गुस्सैल, स्वार्थी और तिकड़मी है। जयेश गुस्सैल, घमंडी, बड़बोला और हिंसक प्रवृत्ति का इंसान है। और ये मयंक धोखेबाज, घमंडी और गैर जिम्मेदार है। सुहानी, जयेश और मयंक, इन तीनों को बुलाओ ब्यूरो में। मुझे 3 बजे से बुलाया है और अभी 4:30 बज रहा है। कितनी देर से मुझे क्यों बिठा के रखा है इन लोगों ने? हेलो, कोई सुन रहा है? हेलो हेलो, कोई है क्या? अरे यार, हमेशा के लिए मुझे बंद कर दिया क्या? हेलो, कोई सुन रहा है क्या मेरी आवाज? इतना टाइम लग गया पानी लाने में। लो, मैडम ये कोई रेस्टोरेंट नहीं है, पीना है तो पियो वरना मुंह धो लो इससे। सर सर प्लीज मुझे जाने दीजिए। सर आप जानते भी हैं मुझे कितना काम है। मुझे क्या मालूम कितना काम है तुम्हें? मैं क्या तुम्हारा नौकर हूं? कोई कुछ नहीं बता रहा, तुम से कम बताओ तो सही कि मुझे यहाँ क्यों रखा है? शांत खड़े रहो, अपने आप को पता चल जाएगा। इस कंपनी में कब से काम कर रहे थे? ये अंशुल, मोनिका, नरेश, इन सबके साथ रिश्ते कैसे थे तुम्हारे? जब नौकरी से निकाला गया था उस वक्त बहुत बुरा लगा होगा। तुम्हें क्या लगा कि दूसरी नौकरी मिल जाएगी? क्या डर गए? किसी और कंपनी से नौकरी के लिए ऑफर आया था? आप उससे सवाल पूछ रहे हैं, इरिटेट कर रहे हैं। नाराज हो अभिजीत? तुमने मेरे एक सवाल का भी जवाब नहीं दिया। मैं बार बार पूछ रहा हूँ तुमसे, आप मुझे बोलने का मौका ही नहीं दे रहे हैं सर। अरे यार, ये कब तक चलेगी पूछताछ भाई? 10 बजने वाले हैं, खत्म करो, मुझे घर जाना। यार कुछ सवाल और पूछने। अरे क्या टाइम पास कर रहे हो तुम लोग? तुमको लगता है इसने खून किया है, हैं? अरे खून करने के लिए हिम्मत चाहिए, हिम्मत तो इसमें है ही नहीं। अरे मुझे सब पता है, मैं शक्ल देख के बता सकता हूँ कौन क्रिमिनल है कौन नहीं। सारी उम्र निकाली है मैंने क्रिमिनल्स लोगों के साथ। अरे तू तो चिड़के चिड़के रोने वालों में से है। गुस्सा होके घर जाएगा, बीवी को मारेगा, बच्चे को मारेगा। आगे बढ़ के खून नहीं कर सकता तू, समझा? चल निकल। कर सकते है? अरे तू खूनी नहीं हो सकता भाई, खूनी खूनी बहुत चालाक है। तुम शक्ल से बेवकूफ। बैंक काम कर गया सर, तीनों काफी गुस्से में लग रहे हैं। तीनों गुस्से में नहीं है, सिर्फ 2 है। इसे देखो,
शांत है। तो आपका मतलब ये? अभिजीत, जो शांत होता है वो खतरनाक भी होता है। अगर मेरा अंदाजा सही निकला तो इसके दिमाग में और एक खून करने की साजिश चल रही है। किसका सर? तुम्हारा खून अभिजीत। निकल गया, पर अभी तक इस खूनी ने कोई हरकत नहीं की। दया, अभी कुछ हुआ नहीं है, लेकिन होगा जरूर। ध्यान रखे रहना। दया, एक मिनट, जरा फोन आ रहा है। हाँ हर्ष। सर, आज वैसा ही पोस्टर फिर से घर पे आया। तुम घबराओ मत, वहीं रुको, मैं आ रहा हूँ। जी सर। हम भी चलते साथ में। नहीं दया, एक काम करो, दूर से पीछा करो मेरा, है? मुझे लगता है जो हमें चाहिए वो मिल गया। ये रहा सर, किसी ने दरवाजे के नीचे से अंदर धकेल लिया। मैंने हाथ नहीं लगाया अभी इसे, लेकिन सर कोई मुझे क्यों मारना चाहता है? वो तो उस कंपनी में काम भी नहीं करता। घबरा मत, देखता हूं। स्मेल नहीं है, कड़वे बादाम की स्मेल नहीं, मतलब साइनाइड नहीं। ये खेल क्यों खेल रहा है? घबराने की बात नहीं हर्ष, इस कार्ड में साइनाइड नहीं है, खाली धमकी दी थी। फिर भी मैं इसे फॉरेंसिक लैब ले जाता हूँ और इसको हम लोग चेक कर लेंगे, ठीक है? होशियार रहना। क्या हुआ? क्या हुआ अभिजीत? अरे नहीं यार, खूनी ने वाट लगा दी। इसकी चाल कामयाब हो गई है। तुम लोग जाओ, वहीं रुक जाओ। पर हुआ क्या? अरे यार भाई, कड़वे बादाम, साइनाइड। हाँ यार, साइनाइड। यहाँ फर्श पे नीचे ऑयल लगा के रखा था, मैं गिरा तो नीचे साइनाइड ही साइनाइड। सर, आप जल्दी से फॉरेंसिक लैब चले जाइए। सालूम के साहब, आपके हाथ पे लगा हुआ साइनाइड जल्दी से निकाल देते सर। फिलहाल तो मैं कॉफी पीने जा रहा। कॉफी पीने? अरे यार दया, खूनी मुझ पे नजर रखे हुए है, मैं जहाँ जाऊँगा मेरे पीछे पीछे आएगा। वो अपनी आंखों के सामने मुझे मरते हुए देखना चाहता है। सर, क्या लेंगे आप? एक कॉफी और एक चीज क्रोजर।
चाल का सर देखने जरूर आएगा। अभिजीत ध्यान से। ध्यान से सर, मालूम है ना आपके हाथ पे साइनाइड लगा हुआ है। याद है याद है। भूख लग रही है मगर कॉफी ऑफी मत पीजिए सर, आपके हाथ में साइनाइड है। प्लीज संभालिए सर। सर 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 ये क्या कर रहे हैं सर? प्लीज, आपके हाथ में साइनाइड लगाया हुआ है। चुप रहो। दया सर, अरे अभिजीत सर खा रहे उसी हाथ से। दया सर, कॉफी कैसी थी? कॉफी सर, मैं तो सर कोई मीटिंग के लिए आया था यहाँ पे। हाँ नहीं, वो हम लोग यहाँ पे जॉगिंग कर रहे थे, सोचा तुम्हें हाय बोलते चले। ओह नाइस, हाय सर। मैं चलूँ सर? क्या हुआ सर? इतनी जल्दी भी क्या है? तुम? हाँ बच गया। वो क्या है ना, इसका साइनाइड वाला हिस्सा मैंने खाया नहीं, वो तुम्हारे लिए छोड़ दिया था। इधर से खाया ना, इधर लगा है साइनाइड तुम्हारे लिए। तुम्हारा बर्थडे है ना? नहीं सर, बताता हूँ सर। सिर्फ इसलिए कि उन्होंने तुम्हारी नौकरी छीन ली है? हाँ सर, इतने साल उस कंपनी में मैंने काम किया और इन लोगों ने एक झटके में मुझसे मेरी नौकरी छीन ली, इसीलिए मैंने भी इनसे इनकी जिंदगी छीन ली। लायक लोगों को कोई नौकरी से नहीं निकालता और नालायक लोगों की जरूरत किसी को भी नहीं होती। दो दो खून किया तुमने, कानून तुम्हें कड़ी से कड़ी सजा देगा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.